ಯುಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜುಗೌಡರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ JDS ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾ ಜಲಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, BJP ಪಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಹತ್ತಿರವೂ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ JDS ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಿತ ಕಾಯಲಿದೆ. JDS ವರಿಷ್ಠರಾದ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೈಬಲಪಡಿಸಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರಾಜುಗೌಡರು ಪಾಟೀಲ್ ಕುದುರಿ ಸಾಲೊಡಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ JDS ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು JDS ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ಎಲಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. JDS ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ರಾಜುಗೌಡರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖಂಡರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಜೊ ಆಯ್ ಇಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಹಿ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ಅಬ್ ಆನೆ ವಾಲಾ ಮೇ 10 ತಾರೀಖ್ ಕೋ ಜೊ ವಿಧಾನಸಭಾ ಜೊ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೈ ವೋ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆ ಬತೌರ್ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಬುಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ತೋ ಹೈ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಪರ್ ಆಜ್ ಜೊ ಬುಲಾನಾ ಜೊ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ವೋ ಮಕ್ಸದ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೋ ಬುಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಜೊ ಮೇರೇ ಸಮಜ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ವಹಿ ದೋ ಬಾತೇ ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖೂಂಗಾ. एक देवरीप्री विधानसभा मतक रहा है, इससे पहले दो इलेक्शन हो चुके हैं, तब हमको एक आदमी बहुत बड़े भरोसे करके बहुत बड़े वादे करके फैक्ट्री करता हूँ अमेरिका में जींस फैक्ट्री करता हूँ वो करता हूँ बोल के हम क्या है उस टाइम में उनके जो झूठे वादों को देख कर क्या है एक बार नेशनल कांग्रेस को दो बार क्या है देकर हम उनको भी MLA बना चुके हैं. उसके बाद में और एक पार्टी है जो आप हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई के साथ जैसा रहते हैं सब मिलकर एक ही बर्तन में खाते हैं, हमारे शादियों को आते हैं उनके शादियों को हमें आते हैं, आपस में इख्तलाफ पैदा करके हमारे बीच इख्तलाफ करने वाली जो पार्टी थी वो BJP उसको भी एक बार क्या है यहाँ पे क्या है एक बार MLA कर चुके हैं. अब दोनों का नेशनल पार्टी का देखे जैसा हो गया है. अब रहा जो यहाँ पे तीसरी पार्टी जातियात जनता दल, जातियात यानी के सब कौम को लेकर चलने वाली पार्टी जो है वो जातियात जनता दल है. क्योंकि इससे पहले भी 14 महीने हुकूमत करते हुए श्री कुमार स्वामी ने 24,000 करोड़ रुपए जो लोन था किसानों का वो लोन मना कर चुके हैं और उसी के साथ वही पार्टी का जो अभ्यर्थी है जो उम्मीदवार है जो राजूगौड़ा पाटिल जातियात दल के सभी कौम को लेकर जाने वाला एक बेहतरीन इंसान जो है वो राजूगौड़ा पाटिल है. और इतना जातियात जनता दल रहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं उनके खिलाफ चंद एक अपने फायदे के लिए अपने खुद के फायदे के लिए कौम के फायदे के लिए नहीं है. क्योंकि इसकी मिसाल भी मैं आपको दे रहा हूं 2016 के अंदर क्या हुआ, हमने 8 मेंबर JDS के थे, एक प्रक्षेत्र लेकर हम क्या है यहाँ पे पटन पंचायत का चीटी के ऊपर क्या है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर चुके हैं. हाँ, आदर्श पार्टी क्या है, दूसरी पार्टी BJP के साथ थी, ये सबको मालूम है या नहीं मालूम है. इसी तरह अपने फायदे के लिए अब हमारे इस्लाम में क्या है, जब एक आदमी जब गुनाह करता है तो उसकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उसको माफ करता है. अब राजूगौड़ा जो है पहले थे वो एक पार्टी में थे, पहले BJP पार्टी में थे, जब BJP पार्टी छोड़ के क्या है जब इस पार्टी में आए मतलब तो इस पार्टी के जो देवेगौड़ा और कुमार स्वामी जो तत्व से जो सिद्धांत जो पार्टी के जो रूल्स बोले हैं वो रूल्स को हर एक को झुकना पड़ता है. उस तरह क्या है जातियात जनता दल के पार्टी के हुक्म पर राजूगौड़ा जो आप अपने अपने फायदे के लिए जो पहले का जो था वो RSS में आदमी था वो चड्डी डाल लेकर वो हेम करता था बोल के उस आदमी के खिलाफ बेकार जो है बोल रहे हैं ये अपने वैयक्तिक फायदे के लिए. क्योंकि गैर आदमी इससे पहले भी बोल चुके थे कि JDS पार्टी को आप वोट मत दो क्योंकि वो 15 से 20 हजार से ज्यादा वोट अगर नहीं लेगी वो किस लिए करे
यहाँ पे दिन का बोलने का क्या है एक अलग बोलते हैं और सुबह उठकर एक अलग करते हैं, ये वो तुमको मालूम है। 45,000 रुपया लिए के दिन लिए, इसलिए मैं हमारे लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, और जो पहले का जो भी है अब क्योंकि लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।